नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर क्रिकेट न्यूज चैनल में। दोस्तों आज आईपीएल सीजन 13 का तीसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां पर हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की टीम की बेहद शानदार शुरुआत रही। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग करने आए देवदत्त पटिकल और एरोन फिंच ने पहले विकेट के लिए 100 रनों से अधिक का पार्टनरशिप की। दोस्तों कुल मिलाकर आरसीबी की बल्लेबाजी शानदार रही, जिसकी वजह से आरसीबी ने हैदराबाद के खिलाफ 153 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम ने भी अच्छी शुरुआत दिलाई और मनीष पांडे और जॉनी बेस्टो की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद की टीम 10 ओवर के अंदर 100 का आंकड़ा पार कर ली। बेस्टो के आउट होने के बाद सनराइजर्स की टीम लड़खड़ा गई। 121 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने महज 32 रनों के भीतर 7 विकेट गंवा दिए। वह 10 रन से यह मैच हार गई। युजवेंद्र चहल का 16वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उन्होंने एक के बाद एक 2 विकेट लिए, जॉनी बेस्टो और विजय शंकर को बॉल कर दिया। दोस्तों बेंगलुरु की तरफ से युजवेंद्र चहल, शिवम दुबे और नवदीप सैनी ने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर आरसीबी ने इस मुकाबले को 10 रन से अपने नाम कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।